हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड टू टॉक आओ सीखे कुछ। हाँ जी गाइस, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, सीबीएसई ने 9 से लेकर 12th तक के बच्चों को दे दी है राहत। हाँ जी, उनका 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। चलिए देखते हैं इस बारे में। हाँ जी गाइस, ये पिक है द हिंदू की, आज का न्यूज़पेपर है उसकी ये पिक है। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीएसई के स्कूल्स क्लास 9 टू लेके 12th तक के छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सरकार ने सीबीएसई कक्षा 9 से 12th तक के सिलेबस को 30% कम कर दिया है। हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने मंगलवार को इस बात की घोषणा साफ साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा गया है, तो इसीलिए सिलेबस को 30% कम कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ट्वीट जो उन्होंने किया है उनके पिक। हाँ जी गाइस, इसमें साफ साफ जो पोखरियाल जी हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने बोला कि डिसीजन लेने में मदद लेने के लिए मैंने पहले हैशटैग सिलेबस फॉर स्टूडेंट 2020 के साथ सिलेबस में कमी के लिए सभी जितने शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी से सुझाव मांगे थे, और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1500 से ज़्यादा सुझाव उन्हें मिल चुके हैं। एचआरडी मिनिस्टर की घोषणा करने के बाद में सीबीएसई ने क्लास 9 से 12th तक का एकेडमिक सिलेबस जो है 2020-21 तक का रिवाइज सिलेबस की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण जो बच्चों की स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी अब उनको कर दिया गया है सरल। कुछ टॉपिक्स जो हैं सिलेबस से हटा दिए गए हैं और उन्हें टॉपिक्स को ना तो इंटरनल में आएंगे ना बोर्ड की परीक्षाओं में इसको ऐड किया जाएगा। पर ये ज़रूर कहा गया है एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा जो टॉपिक्स हटाए गए हैं बच्चों को वो भी पढ़ाए जाएँ ताकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हो। 9 to 10th तक का सिलेबस जो डिलीट किया गया है, जो हटा दिया गया है सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको आगे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।